दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेक ज्ञान पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई निकलती आ रही टेक्निकल वर्ल्ड से चटपटी खबरों के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट्स निकल के आई है। तो पहले हम बात करते हैं जो अभी ईयर एंड होने वाला है, तो सब लोग अब सेल के पीछे पड़ जाएंगे। तो वापस से फ्लिपकार्ट ने अपना सेल अनाउंस, ईयर एंड सेल अनाउंस कर दिया है, जो कि है 21 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक, ठीक है। और उसमें कुछ जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स होंगे उनको कुछ 20 तारीख से कुछ एक्सेस करने का बेनिफिट भी मिलने वाला है, और आप प्री बुकिंग भी कुछ 50 रुपीज़ से कुछ प्रोडक्ट्स में आप कर पाओगे। और मोबाइल के अंदर भी आपको बहुत ही खासा, बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही सेल स्टार्ट होता है, जिन जिन लोगों को कुछ नया परचेज़ करना है, प्लीज़ ये डील ग्रैब कर लीजिए। शाओमी ने भी सेल अनाउंस कर दिया है। हालांकि शाओमी का जो सेल है वो आज ही से, नंबर 1 जो MI फ़ैन का जो सेल है वो आज ही से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक चलने वाला है, और सभी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट वो दे रहा है। तो जो लोग MI के फ़ैन है, जो MI के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, हालांकि वो ब्लूटूथ स्पीकर हो, मोबाइल हो, सेल्फी स्टिक हो, कुछ भी हो, बैकपैक हो, ट्रॉली बैग हो, स्मार्ट शूज़ हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप जाइए MI.com पे, या फिर MI की एप्लीकेशन आती है वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और परचेज़ कीजिए। तो अब जो जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्मार्टफोन में आजकल जो नया फंक्शन दिया गया हुआ है कि ड्रीम लाइट मोड, या फिर ब्लू लाइट का जो फ़िल्टर रहता है। सैमसंग के काफ़ी मोबाइल में ब्लू लाइट का एक फ़िल्टर रहता है कि जैसे ही अंधेरा हो, रात हो, तो आप वो लाइट ऑन कीजिए, हालांकि हल्का पीला सा स्क्रीन दिखेगा आपको। वो लोग कहते हैं कि आपको आंखों को नुकसान नहीं होगा, बट एक सर्वे के हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है चूहों के ऊपर, रैट के ऊपर किया गया है, और उनका मानना ये है कि इससे भी आंखों को नुकसान होता है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि अगर आप वो फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो तो ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी हमको आदत नहीं है, और ना ही ये फ़िल्टर सभी मोबाइल में दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दीजिए, ताकि आपको आंखों को नुकसान रात के टाइम में, जब अगर आप अपने बेडरूम में हो, अंधेरा कम हो और आप यूज़ करते हो, तो ज़्यादा ब्राइटनेस आपकी आंखों के लिए हानिकारक है, बहुत ही हार्मफुल है। तो यही बस एक सलाह थी ये ब्लू लाइट को लेके कि आप यूज़ मत कीजिए। और एक जो खबर निकल के आ रही है वो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, कि उन्होंने ये कहा है कि 2022 तक इंडिया के सभी गांव-गांव तक, जितने भी विलेजेस है, सब तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच जाएगा। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे गांव ऐसा है कि जहां पे कनेक्शन होने के बावजूद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट का कहना ये है कि 2022 तक सभी जगहों पे कनेक्शन पहुंच जाएगा और सभी तरह से इंडिया पूरी तरह डिजिटली कनेक्ट होगा। जो खबर निकल के आ रही है वो है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने P40 सीरीज़ फ़ोन अनाउंस कर दिया है, हालांकि वो अभी नहीं, मार्च में आने वाला है। और एक जो उसके साथ जो हुआवे फैंस है उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि ये P40 सीरीज़ फ़ोन जो है वो गूगल ऐप स्टोर के बिना आने वाला है। देखते हैं कि अब जो उनकी जो खुद की OS है उसमें वो स्टोर, जो एप्लीकेशंस, जितने भी फंक्शंस है दूसरे, कैसे काम करेंगे। जब लॉन्च होगा तब उसके लिए भी आपको एक ब्रीफ, एक वीडियो मैं आपको बना के पहुंचा ही दूंगा। अब ये जो खबर है वो है सैमसंग लवर्स के लिए। सैमसंग की तरफ से जो Note 10 Lite का एक जो नया वेरिएंट आने वाला था उसकी एक फ़ोटो निकल के सामने आ रही है, और सुनने में भी ये आया है कि तकरीबन इसकी प्राइस 50-55,000 के आसपास होगी। यानी कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही लाइट और छोटा मॉडल है। अरे भाई लोग, 50,000, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। इसमें 3 कलर आपको मिलने वाले हैं, एक ब्लैक, ऑरा ग्लो और रेड कलर मिलेगा आपको। बट फिर भी अगर आप Note 10 Lite करके ये वर्जन निकाल रहे हो, मोबाइल का वेरिएंट निकाल रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा प्राइस तो रख देते 35-40 के आसपास, तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। और अब वक्त है इस टेक न्यूज़ के एक आखिरी अपडेट का, जो है मोस्ट डाउनलोडेड और कह लो कि डोमिनेटिंग एप्लीकेशन के बारे में, जो पिछले 10 साल में रही है। एनी गैसेस कि कौन से एप्लीकेशन नंबर 1 पे रही होगी, या टॉप 5 में कौन कौन से एप्लीकेशन होगी?
चलिए मैं बता देता हूँ आपको। पिछले 10 साल के अंदर जो सबसे डोमिनेटिंग एप्लीकेशन रहा है नंबर 1 पे, वो है फेसबुक, उसके बाद है फेसबुक मैसेंजर, उसके बाद आता है व्हाट्सएप, और उसके बाद आता है इंस्टाग्राम, और 5th नंबर पे है स्नैपचैट, और बाकी सारे एप्लीकेशंस और भी है जो टॉप 10 की जो एप्लीकेशन का लिस्ट है उसमें। आप बिलीव नहीं करोगे कि टॉप 4 की जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो सभी की सभी फेसबुक की है। दैट मीन्स फेसबुक इज़ डोमिनेटिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ज़बरदस्त ये बात है दोस्तों। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि ये फेसबुक पे अभी ज़्यादा भरोसा करने लायक रहा नहीं है। हमने जितना भी डाउनलोड किया है फेसबुक को, उतनी ही हमारी प्राइवेसी छूमंतर हुई है लोगों के पास। फ्रॉड्स बढ़े हैं इंटरनेट पे, क्राइम बढ़े हैं ऐसे ही। तो दोस्तों सावधानी बरतिए, पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, आप एप्लीकेशंस के बारे में अपनी पर्सनल डिटेल ज़्यादा पोस्ट मत कीजिए। मेरी तो यही सलाह है आप सबसे। बाकी दोस्तों कनेक्ट रहिए टेक ज्ञान चैनल से, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलरली आपको टेक न्यूज़ मिलती रहे टेक्निकल वर्ल्ड के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक को लेके, किसी मोबाइल से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।